हालेलुया। हाँ हाँ, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के छह मटके धरे थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़िए। हाँ देखिए जी, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। हाँ, पानी मट थे उनमें पानी दो दो तीन तीन मन समाता था। सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, यह विषय बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय है। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे, पास्टर जो तो बहुत अच्छा है, वहीं से खोल है जहीं से रोज घर में गड़गड़ गड़गड़ होती है। ब्याह शादी आता है तो उस चैप्टर पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार कान खोलकर सुन लीजिएगा, यहां यीशु ने मिरेकल किया था, पिया नहीं था। आप पीने को जल्दी मचा रहे हैं। हाँ पास्टर बताओ, पास्टर खोला, ओ आज तो मजा आने वाला है, वही चैप्टर खोला, यहां चैप्टर हम पी सकते हैं, बड़े बड़े ग्लास आइस डालकर। पास्टर जो बहुत अच्छा आदमी है, वहीं से शुरू करता है, यहीं से मेरा लफड़ा रहता है। हाँ, आज मैं आपके दिमाग में से पूरी तरह उसको कट कर देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। आपने पीना है तो वो पियो जो पीने के बाद आपका दिमाग खराब नहीं होता। वो पियो पीने के बाद आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो पियो जिसके पीने से आप मृत्यु पर विश्वास करते हैं। वो पियो जिसके पीने से आप लोगों को जीतते हैं और स्वर्ग के लिए ख्याल करते हैं। हालेलुया। बहुत है, बहुत आपने पढ़ा सुना, मगर आज यहां आप आपके लिए मेरे पास एक खास मैसेज है, आप इसको थोड़ा देखिएगा। हाँ, आगे क्या लिखा है पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दो, बोलो पानी भर दो। क्या भर दो? तुम क्या पीने के लिए सोच रहे थे? आपने ये पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ कुछ और दिल में लड्डू फूट रहा है, ये पीने के लिए नहीं है। कभी कभी परमेश्वर ऐसे काम करते हैं दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। मां ने बोला, छाती में आए, ऐसा हो गया, अब ऐसा कर दो। यीशु मसीह ने इनकार किया, अभी नहीं, फिर भी बात मानी और बोला पानी भर दो। फिर क्या हुआ? उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हाँ, ऊपर तक भर दिया। फिर तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के पदार्थ के पास ले जाओ। हाँ, आप पढ़ते जाइए फिर मैं। हाँ, हाँ। और वह ले गए। तो ले गए। जब भोज के पदार्थ में वह पानी चखा। जब भोज चखा, क्या चखा? हेलो, तुम्हारा ध्यान बोतल की ओर क्यों जा रहा है? यहाँ लिखा पानी, क्या चखा? तो तुम तो बहुत एडवांस लग रहे हो मुझे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, चुपा के रखते हैं नीचे। आज आपको छोड़ना है और इस वचन को पकड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में टाइम को बदल देने वाला परमेश्वर है। आज मैं ये नहीं कहने वाला कि दर्द ठीक होने वाला, मैं ये कहने वाला हूं आपकी जिंदगी का चेहरा मोरा ही बदल जाएगा अगर टाइम की आशीष आ गई तो। 8 घंटे काम करने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद, 8 घंटे कहां जाते हैं आपके? कभी आपने कैलकुलेशन किया है? वो 8 घंटे किस रोकड़ में गए, कहां गए, किसको दिए आपने? खुद आपको तो दिए नहीं। आप इतना लंबा लंबा काम करते हैं उसके बाद भी आपकी जेब में वो नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि आप एक टाइम के ऊपर आशीष नहीं है। आज प्रभु आपके टाइम के ऊपर आशीष डालने वाले हैं। देखो फिर क्या हो गया, पानी जब बोझ के प्रदान ने मैं पानी चखा जो दाखरस बन गया था। आप 8 आयत को थोड़ा ध्यान दीजिए, 8 को रिपीट करें। हाँ, तब उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के पदार्थ के पास ले। हाँ, अब निकाल कर
प्रधान के पास ले जाओ। यहां असली बात क्या है, एक वेस्ट इंग्लिश के ट्रांसलेट जब हम देखते हैं तो बाइन लिखते हैं, ठीक है पास्टर जी। तो जब बाइन बाइबल में देखते हैं तो वो विश्वासी जो उधर से निकल कर आया उसके मुंह में फिर से पानी भरना शुरू हो जाते हैं। यहां बाइन लिखा है बाकी सब देखना, ये समझ में नहीं आया, सारा बाइबल छोड़ के इसको निकाल के लेके आया, ये नहीं समझ में आया, ये देखना क्या है पादरी साहब, ये जरा बताना। सुन लो आज ये पादरी आया पंजाब से, बताने आपको क्या लिखा है ये। घरवाली बोलती है आप तो तुमने बपतिस्मा ले लिया है अब इसको छोड़ो, दिखता ये देखो इधर यीशु बना सकते हैं, चल पी नहीं सकते, नहीं भाई पी सकते आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से फिल होना है, हालेलुया, उसका कार्य करना है, फास्टिंग में आना है, बाइबल पढ़ना है, जब भी आप गुजरो लोग आपका इंतजार करें, खाने खाते साहब कब आने वाले हैं, कब सुनाएंगे। खुदा भी ऐसा चाहता है, तुम एक व्यक्ति, एक एक भाई एक बहन परमेश्वर के ऐसे अभिषेक से भरकर मुहामू लिखा है, मत कैसे भर दिए मुहामू, आपको मुहामू भर के रहना है। अगर आपके पास कोई आए तो वो आपको बताए मुझे कुछ टच हो रहा है आपसे, हालेलुया, मुझे कुछ टच हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। इसमें आठ आठ और वह ले गए, हाँ पहले उन्होंने जल डाला, डालने के बाद यीशु ने तभी क्या बोल दिया, निकालो, क्योंकि वो दाखरस बन चुका था, हालेलुया, क्या बन चुका था, कितना टाइम लगा। अगर मैं दोनों ट्रांसलेशन को आपके साथ लेके आऊं तो अगर एक बाइन अच्छे वाली बाइन उसको 10 15 20 और 25 साल लगते हैं उस टाइप की बाइन बनाने के लिए, मगर यीशु मसीह ने उस 10 साल को एक ही शब्द में ट्रांसफर कर दिया। यही मैं आपको आज बताने वाला हूं, यीशु मसीह आपके जीवन की टाइमिंग को बदल देने वाले हैं आज की रात। हालेलुया, अपने आप को ठहर बोले प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु, तुम्हारा अभिषेक मुझ पर आए, तुम्हारा अभिषेक मुझ पर आए प्रभु, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तेरा अभिषेक आए प्रभु, मेरा टाइम चेंज हो जाए आज प्रभु, टाइम चेंज हो जाए प्रभु, मेरी जिंदगी का टाइम चेंज हो जाए प्रभु, वो शक्ति जो मेरे टाइम को नाश करती है आज यीशु मसीह के नाम से उनको कमांड करते हैं, जोर से बोलेगा तो जाएगा, हालेलुया। अब आपको देखना है ध्यान से, बाइबल ब्लेस करता है आज की रात आपको टाइम से, हालेलुया। कोई भी पादरी साहब यहां है उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूं, इतना बिजी होते हैं ये ऑफिस ये आप देखेंगे आज के बाद कितना स्मूथ चलेगा ये, आपको टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन हालेलुया, टेंशन लेने के लिए आपको घुटने के बल आना पड़ता है, हालेलुया हालेलुया। आप ठंडे ना हो नहीं तो बाहर ले जाएंगे आपको, हालेलुया। जब एयरपोर्ट से हम बाहर आए वही बाबा जैसे किसी ने ना आपको किसी भट्टी में रख दिया, याद आ रहा था रब्बा नर्क कैसा होगा, बहुत सुना है नर्क कैसा है पैसा है, ये तो ट्रेलर हो गया आज, हालेलुया। तुम यहां किस मिट्टी के हो, कैसे घूमते हो इधर, हम तो प्रचार करने के बाद जाने वाले हैं,
एक बात ध्यान रखिए, मगर आपके जीवन में पाप है। जो टाइमिंग चमत्कार है वो आपके जीवन में नहीं आएगा। ये उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा जिनके जीवन में पाप नहीं है। रोने से, चिल्लाने से, पीटने से आशीष नहीं मिलती। उसका सिद्धांत क्या है उसको फॉलो करना है। आप विश्वासी हैं, आपको उसके सिद्धांत को फॉलो करना है। आज के बाद वो ऐसे एक क्षण में पाप माफ कर देता है। ऐसे एक क्षण में पाप माफ करने का इख्तियार मेरा बाइबल बताता है सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आज की रात सोने से पहले आप अपने पापों की क्षमा मांगिए, अगर आपका मन है तो। इसलिए नहीं कि पादरी साहब आए हैं चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर आपका मन है, दिल से, इच्छा से, हाँ प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कितने लोग यहां काम करने के लिए आए हैं? सब काम करने के लिए आए हैं, क्या बात है। तो सुनिए, आपके काम के ऊपर आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टाइमिंग को चेंज करने के लिए प्रभु के सामने प्रेरित करें। जो आप चाहते हैं 3 साल के बाद करेंगे वो 3 महीने में होने वाला है। ये समझना खुदा के एक नबी ने बोला था, नामी खुदा के एक नबी ने बोला था, आदमी ने, मैन ऑफ गॉड, सूरज तुम ठहरो, अभी मेरा काम क्या है। तो पावर है आपके बीच में, क्या है पावर है, तो उसने टाइम को कंट्रोल किया। आज भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप सेवकाई में हैं, तो बहने चपातियां बनाती है तो चपातियां बनाती सुबह से शाम तक, और मिनिस्ट्री में भी है। आज के बाद मैं प्रार्थना करता हूं, चपाती कहां से आएगी, कौन सा कहां लेके आएगा मुझे मालूम नहीं, मगर आप इतना लंबा सुबह चपातियां नहीं बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ चेंज होने वाला है, बिलीव करो। किचन में तो वैसे भी गर्मी रहती होगी, मानो मेरी बात, चेंज कर लो, ट्रैक चेंज करो। पादरी साहब भूखी नहीं मरेंगे, ये गारंटी मेरी है। आप खुदा की खातिर हो, आपने काम करने हैं। खाना तो कोई नहीं बनाया है, मगर ये स्पिरिचुअल फूड कब मिलता है? जब आप बैठोगे, प्रेयर करोगे। पादरी साहब गए हैं, उसके पीछे प्रेयर करो, काम होगा, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने जाने यीशु मसीह को मानते हैं? अच्छा, क्या बात है। बस यही तो मुश्किल है, हम यीशु मसीह को मानते हैं मगर यीशु मसीह की नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा अंतर है। यीशु मसीह प्रभु है हम मानते हैं, शैतान भी मानते हैं, मानता नहीं उसकी बात, नहीं मानता। हम भी थोड़ा उसको कॉपी कर रहे हैं। छोड़िए, आज के बाद आप यीशु मसीह की मानेंगे। हालेलुया। जो भी आपके अगर बगल में बैठे उसको बोलिए जरा, आज के बाद मैं यीशु मसीह की मानूंगा। अच्छा, वो मैंने सुना दूसरे को, आज के बाद तू यीशु मसीह की मानेगा। अपनी बात नहीं करना चाहता, दूसरे की कर रहा है। ये अच्छा है। अच्छा, मैंने एक बात आपको फिर से बताने वाला हूं। सबसे पहले आज हम होली बाइबल से देख रहे हैं, होलीनेस, पवित्रता क्या है। प्रभु के
रूल के उन साथ चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, उसको फॉलो करना। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे आपके जीवन में आज बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है।